शाही पनीर को बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए, खाइए। और अब हम करते हैं सर्व। देखो कैसे कलर आया अच्छे से मस्त। शाही पनीर की मूली कटोरी सज गई है। आप लोग बना के जरूर देखना कैसा लगा आपको शाही पनीर बनाना। प्लीज़ प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना ऐसा शाही पनीर। ओके बाय। प्लीज़ मेरे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज। ओके बाय। चलो बताते हैं कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज बनाएंगे हम शाही पनीर। पनीर के लिए मैंने देखो 250 ग्राम पनीर लिया है, उसको पीस में काट लिया है। 250 ग्राम मटर लिया। आप लोग सोचेंगे मटर डलती नहीं है, पर मैं मटर डाल के बनाना चाहूँगी जी। मैंने टमाटर लिए, प्याज, हरी मिर्ची और काजू 15-20 काजू है जी। लहसुन अदरक का पेस्ट है। देखो दोस्तों, मैंने कढ़ाई रख दी। सब लोग बटर में बनाते हैं शाही पनीर, आज मैं नई स्टाइल में बनाऊँगी, रिफाइंड में और थोड़ा सा घी डाल के जी। मैंने रिफाइंड लिया है अच्छे से है, और इसमें डालना है मेरे को घी, जो मैंने शुद्ध घी लिया है। आप बटर डाल सकते हो, मैंने घी लिया है। सब कुछ अलग करती हैं तो कुछ अलग करना चाहिए मेरा, तो इसको अच्छे से गर्म हो जाए। देखो तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जो मैंने खड़े मसाले लिए वो डाल दूँगी। जीरा है, काली मिर्ची, दालचीनी और इलायची, इन दोनों को अच्छे से उगा दो। और इसमें मैं डालूँगी प्याज, मैंने प्याज डाल दी है इसमें अच्छे से। फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। प्याज मैंने ज़्यादा नहीं सीखना है, और जो मैंने टमाटर ली थी वो भी डाल दिए, तो दो हरी मिर्ची डाल दिए। आप चाहो तो ऊपर से भी डाल सकते हो, तो टमाटर को अच्छे से चल जाने के लिए। और इसी में मैंने काजू लिए, पंद्रह वो भी डाल दिए अच्छे से। देखो दोस्तों, हमारे टमाटर गल चुके हैं, प्याज गल चुकी है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। देखो दोस्तों, ठंडा हो गया है, अब इसको हम ग्रेवी बना देंगे। देखो ग्रेवी पीस के मैंने इसमें निकाल लिया, और देखो पीस गई है। अब इसका मैं ये हमने कढ़ाई रख दी, अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड। बाकी हमने खड़े मसाले उसी में सब में डाल दिए हैं, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, और घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मैंने उसमें डाल दिया है, तो पानी डाल दिया, और कुछ तेल तो उसमें भी डला है। इस प्रकार बनाओ। को बटर नहीं है तो घर का देसी घी यूज करो, तो उससे भी वही स्वाद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, देसी घी होता है वो, तो बटर तेल इसके आगे कुछ भी नहीं लगता कोई। दोस्तों तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, वो जो ग्रेवी बनाई है वो डाल। मैंने सब इसमें इसको अच्छे से सकने देते हैं, और इसी में जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है वो भी डाल दूँगी इसमें। अब इसको भी अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि वो सामान से पका हुआ है। प्लीज़ मेरी एक बार जरूर बना के देखना, इस प्रकार आपको अच्छा लगेगा। देखो और मसाले को जब तक पकना है तेल ऊपर आया जाता है, तो उसमें हम मसाले डाल देंगे। आप इसमें मलाई भी डाल सकते हो, मलाई के बिना तो शाही पनीर अधूरा है। आप अभी बताएं। देखो दोस्तों, तेल उसने प्याज जो ग्रेवी बनाई थी उसने तेल छोड़ दिया, अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। धनिया मैंने, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला, नमक, हल्दी जो मैंने गरम मसाले देखो सारे डाल दिए। अब इसमें डालूँगी पानी, वो मसाले को सकने देंगे। मसाले में भी छोड़ दिया है, मसाला हमारा पक चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे मटर। मटर को थोड़ा सा पकाना है इसको भी पहले डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पनीर लिया है, वो डाल देंगे। पनीर का आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, कितनी फैमिली के मेम्बर है उस हिसाब से चेक का बनाना है आपको। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, अभी बहुत गाढ़ी है। देखो दोस्तों, जी मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है इसमें ग्रेवी बनाने के लिए। आप अपने हिसाब से देखो डाल सकते हो, हैं आपको जिसके साथ खाना है, चावल, रोटी, इसके हिसाब से। हमें रोटी के साथ खाना है तो थोड़ी पतली, चावल के साथ भी खा सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना प्लीज़। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, ज़रूर करना।
इस पर बन जाएगी, फिर कलर आएगा इसके। कलर डाउन हो जाता है इसमें, इसलिए देखो दोस्तों हमारा शाही पनीर बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए, खाइए। और अब हम करते हैं सर्व, देखो कैसे कलर आया अच्छे से मस्त। शाही पनीर की मेरी कटोरी सज गई है, आप लोग बना के जरूर देखना कैसा लगा आपको शाही पनीर बनाना। प्लीज प्लीज देखो, जरूर ट्राई करके देखना ऐसा शाही पनीर। ओके बाय। प्लीज मेरे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो, लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज। ओके बाय। चलो बताते हैं कैसे बनाते हैं।